हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है, जिसमें हम यूनिट वन पेपर टू की यूनिट वन कंप्लीट कर रहे थे। तो उसके दो पार्ट तो हो चुके थे एंड आज पार्ट थर्ड है। तो आज हमारी यूनिट जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड इसमें हम बेलेनोग्लोसिस पढ़ रहे थे, तो उसका हमने बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पढ़ ली थी, एंडोस्केलेटन एंड हैबिट, हैबिटेट और ये फीचर्स वगैरह, क्लासिफिकेशन तो ये हो गया था। अब नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अब उसकी इंटेस्टाइन जो होती है वो कैसी होती है ये देख लेते हैं। आंत ईसोफेगस के पीछे स्थित होती है, जो दो भागों में विभाजित होती है। पहला भाग होता है हिपेटिक सीकी, जो यकृत से जुड़ा होता है, आगे यकृति भाग, ठीक है, आगे का यकृति भाग। उसके बाद है पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल पार्ट, ये क्या होता है, ये मल को बाहर निकालने के लिए स्फिंक्टर मांसपेशियों के माध्यम से एनस द्वारा एनस से बाहर निकलता है। ये इसका डायग्राम है, जैसे प्रोबोसिस सीलोम ये था, उसके बाद कोलर सीलोम ये, एंड ये एलिमेंट्री कैनाल, और ये दोनों थी ट्रंक सीलोम, जो हमने पिछली वीडियो में हमने बात भी की थी। बॉडी कैविटी में हमने पढ़ा था कि एक प्रोबोसिस सीलोम होता है और दो कोलर सीलोम होते हैं, ये और ये, एंड दो होते हैं ट्रंक सीलोम, ठीक है। उसके बाद है बेलेनोग्लोसिस, सीलियरी फीडर है। सीलियरी फीडर मतलब सीलियस में निकले रहते हैं, जो जलधारा के साथ भोजन कणों को इकट्ठा करता है, यानी कि जब ये पानी के बहाव के साथ चलता रहता है तो जैसे पानी आता है उसमें कुछ फूड पार्टिकल्स भी आते हैं, तो ये पानी तो छन के जो है वो बाहर निकल जाता है और जो फूड पार्टिकल है वो ये इकट्ठा कर लेते हैं। प्रोबोसिस एंड गिल क्लेफ्ट्स की सीलिया जलधारा को उत्पन्न करती हैं, भोजन कण म्यूकस में फंस जाते हैं, सीलियरी धारा फूड को कोलर की हेल्प से मौखिक गुहा में ले जाती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसिस, तो दो मुख्य भागों से बना होता है ये। पहला है ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिक्स, दूसरा है ब्रैंकियल सैक्स। इसमें क्या होता है, ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिक्स जिसमें गिल स्लिट्स होते हैं, एंड ब्रैंकियल सैक्स जो होती है ये थैली होती है एक, जो गिल पोर के माध्यम से बाहर निकलती है। तो पहला है हमारा ब्रैंकियल फेरिक्स, तो फेरेंजियल गुहा दो भागों में विभाजित होती है, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र। अब गिल स्लिट्स श्वसन के लिए जल में घुले ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। गिल स्लिट्स की संख्या जानवर की उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। ये संरचना बेलेनोग्लोसिस को प्रभावी ढंग से श्वसन करने में मदद करती है। ब्रैंकियल फेरिक्स के बाद है ब्रैंकियल सैक्स, ब्रैंकियल थैलिया। उससे पहले पढ़ लेते हैं हम द होलो टंग बार्स फेरिक्स, तो टंग बार्स सीलोमिक कैविटी को घेर लेते हैं बट गिल स्लिट्स की वेंट्रल साइड को टच नहीं करते हैं। दो यू शेप्ड के गिल स्लिट्स के बीच गिल सेप्टा हमेशा उपस्थित होता है। सेप्टा जो होती है एक दीवार टाइप की थी जो दोनों को अलग करती है। गिल सेप्टा मजबूत और स्टिफ संरचना होती है, जो एम आकार की मांसपेशियों द्वारा सपोर्टेड होती है, जिसे स्केलेटन रोड्स कहा जाता है। गिल सेप्टा की एम आकार की मध्य शाखा मुक्त सिरे पर फ्रुक्टेड होती है। यू शेप के गिल स्लिट्स सीलिया से घनी तरह से घिरे होते हैं, जो जलधारा को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब ब्रैंकियल सैक्स में क्या था, गिल स्लिट्स सीधे बाहर नहीं खुलते हैं बल्कि अलग अलग गिल पाउचेस में खुलते हैं, जिन्हें ब्रैंकियल सैक्स कहते हैं। इन थैलियों में, इन पाउचेस में गिल स्लिट्स खुलते हैं। प्रत्येक ब्रैंकियल सैक्स गिल पोर द्वारा बाहरी वातावरण में खुलती है। गिल पोर एक इंडिपेंडेंट स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग है गिल पोर, जिससे मतलब ब्रैंकियल जो थैली होती है ये बाहरी वातावरण में खुलती है। उसके बाद है बेलेनोग्लोसिस बी मिसाकिनेसिस, में पहले गिल सैक्स संयुक्त हो जाते हैं और एक सामान्य गिल पोर द्वारा बाहरी वातावरण में खुलते हैं। कोलर सीलोम और ब्रैंकियल सैक्स के बीच कम्युनिकेशन कोलर कैनाल द्वारा होता है। गिल पोर्स बाहरी रूप से दिखाई देते हैं, जो श्वसन क्रिया को सुगमता से संचालित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें क्या है, गिल स्लिट्स में सीलिया जलधारा का निर्माण करती है, ठीक है, जल धारा फेरिक्स में प्रवेश करती है और गिल स्लिट्स से ब्रैंकियल सैक्स में जाती है। पहले गिल स्लिट्स फिर उसके बाद ब्रैंकियल सैक्स में जाती है। गिल पोर से जल धारा बाहर निकल जाती है, बताया था मैंने पहले भी, पोर जो होता है उसकी सहायता से बाहर निकल जाती है।
टंग वॉल्स में रक्त सिलियरी श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त O2 को अवशोषित तथा CO2 को मुक्त करता है। नेक्स्ट है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसेस। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है, क्लोज वेसल्स होती हैं, ल्यूकेनस स्पेसेस होती हैं और पल्सेटिंग ऑर्गन होते हैं लाइक हार्ट। ठीक है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है और कार्पसल्स रहित होता है, कार्पसल्स भी नहीं होती है। रक्त में श्वसन वर्णक नहीं होता है। एंडोथीलियल कोशिकाएं की मुख्य संरचना होती है, रक्त वास्कुलर प्रणाली झिल्ली के बीच स्थित होता है। दो मुख्य धमनियाँ होती है इसमें, एक डोर्सल एंड वेंट्रल वेसल, शरीर की पूरी लंबाई में फैली होती है ये धमनियाँ। ठीक है, डोर्सल वेसल क्या होती है, ये नर्व कोड के नीचे और पाचन नली के ऊपर स्थित होती है। रक्त पूरी तरह से डोर्सल वेसल में प्रवाहित होता है। ठीक है, जो एनस से कोलर तक फैली होती है। कोलर के पास डोर्सल वेसल्स में मध्य स्थान होता है। कोलर के सामने डोर्सल वेसल फैली है हुई होती है, जिससे एक वीनियस ब्लड साइनस, वीनियस का मतलब होता है इम्प्योर ब्लड का जहाँ जमाव होता है वो ब्लड साइनस, जो केंद्रीय साइनस और हर्ट में जाता है। सेंट्रल साइनस बकल डाइवर्टिकुलम के ऊपर स्थित होता है। एक ट्रायंगुलर एपिडर्मल थैली जैसी संरचना रक्त वाहिका के रूप में कार्य करती है, जिसे रक्त वाहिका कहा जाता है। उसके बाद आती है वेंट्रल वेसल, इसमें क्या है, वेंट्रल धमनी वेंट्रल मेसेंट्री या गुहा में स्थित होती है। इसमें रक्त पीछे की ओर जाता है। ठीक है, ये अत्यधिक संकुचनशील होती है। इसकी दीवारें इनर एंडोथीलियम से घिरी होती हैं, जो मांसपेशी परत से घिरी होती है। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ ब्लड। तो सेंट्रल साइनस से ब्लड ग्लोमेरुलर साइनस में प्रवेश करता है। ग्लोमेरुलर में रक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से शुद्ध होता है, मतलब ग्लोमेरुलर में जब आता है तो ये नाइट्रोजन युक्त होता है और फिर अपशिष्ट से शुद्ध हो जाता है। ग्लोमेरुलस में रक्त चार धमनियों आर्टरीज द्वारा एकत्रित किया जाता है। इन धमनियों का शुद्ध रक्त वाहिकाएं कहा जाता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस से निकलने वाला रक्त शुद्ध माना जाता है। अब वे कौन सी आर्टरीज है चार जिनका पीछे बात की गई है, तो दीज आर्टरीज आर, पहली है मिड डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी। ठीक है, मिड का मतलब होती है मध्य वाली। उसके बाद है मिड वेंट्रल, पहली डोर्सल है दूसरी वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी। ये दोनों जो है ये प्रोबोसिस को रक्त पहुंचाती है, प्रोबोसिस आर्टरी है मतलब प्रोबोसिस को रक्त पहुंचाती है। अब दो जो आर्टरीज है, टू एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरी, ये धमनी बकल डाइवर्टिकुलम के दोनों पक्षों के पीछे चलती है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन ऑफ बेलेनोग्लोसेस। तो इसकी तंत्रिका प्रणाली बहुत ही प्रिमिटिव यानी पुरानी प्रकार की होती है, जो सिलेंट्रेट्स के प्लेक्सस यानी कि गुच्छा या एपिडर्मिस के ठीक नीचे तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्रिका तंतुओं की एक परत से मिलती जुलती हैं। एपिडर्मल कोशिकाएं धागे जैसी प्रक्रियाओं को वहन करती हैं, जो तंत्रिका कोशिकाओं के नेटवर्क में योगदान करते हैं। तंत्रिका परत में लॉन्गिट्यूडनल तंत्रिका तंतु और तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिनके दो प्रकार के मार्जिन होते हैं, बाइपोलर और मल्टीपोलर। तंत्रिका परत निश्चित धागों से संकुचित होकर दो मुख्य तंत्रिका कॉर्ड यानी नर्व लेयर बनाती है। जो नर्व लेयर होती है वो निश्चित धागों से संकुचित होकर दो मुख्य तंत्रिका कॉर्ड बनाती है, मिड डोर्सल नर्व कॉर्ड और सेकेंड है मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये दोनों नर्व कोड शरीर की पूरी लंबाई में फैली हुई होती है। अब कोलर कोड में एक गुहा होती है जिसे न्यूरोसील कहते हैं, जो एपिडर्मिस से उत्पन्न होती है। ये कॉर्डेट नर्व कोड के समान होती है और कोलर कोड में विशाल न्यूरॉन्स होते हैं, जिनकी संख्या 10 से 600 तक होती है। इन न्यूरॉन्स का कार्य तेजी से उत्तेजना का संचारण करना है, जिससे शरीर का तेजी से सिकुड़ना होता है। उसके बाद है इन बेलेनोग्लोसेस सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या कैसे होते हैं, बेलेनोग्लोसेस में इंद्रियां कम विकसित होती हैं, सेंस ऑर्गन कम विकसित होते हैं। प्रोबोसिस के आधार के वेंट्रल पक्ष पर एक यू आकार की गहराई होती है, जिसे प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन कहते हैं। कहा जाता है कि ये इंद्रियां जीव को पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसेस। तो बेलेनोग्लोसेस में लिंग अलग अलग होते हैं और आकार तथा रंग में भी भिन्न होते हैं।
नर और मादा गोनेड ये अलग अलग होते हैं। टेस्टिस एंड ओवरी सरल और शाखायुक्त सेक्युलर ऑर्गन से बने होते हैं। गोनेड श्वास नली के क्षेत्र में स्थित होते हैं। प्रत्येक गोनेड एक एकल डक्ट द्वारा बाहरी वातावरण में खुलता है, मतलब अलग अलग इनके एक डक्ट होते हैं जिनके द्वारा ही बाहर खुलते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, तो जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो बाहरी होता है एंड निषेचन परिवर्तन द्वारा होता है। निषेचित अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा विभिन्न चरणों से गुजरता है और अंततः एक वयस्क रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी पहले निषेचन होता है बाहर की तरफ, फिर निषेचित अंडा बनता है, उससे लार्वा निकलता है और लार्वा फिर विभिन्न चरणों से गुजरता है और फिर वयस्क बन जाता है। निषेचन के बाद विभाजन पूरा होता है और एक गोल ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला के बाद ये समतल हो जाता है और गैस्ट्रुला बनता है। पहले लार्वा हुआ, फिर वो वयस्क हुआ, उसके बाद पूरा विभाजन हो गया, उसके बाद ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला के बाद ये गैस्ट्रुला बनाता है। गैस्ट्रुला में अंतर्वेशन इनवेजिनेशन होता है जिसमें भ्रूण छोटे सीलिया में से ढक जाता है और एक मजबूत सीलिया की रिंग बन जाती है। निषेचन के 24 से 36 घंटे बाद भ्रूण का हैचिंग होता है और एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म अलग हो जाते हैं। अब लार्वा जो है वो तैरना शुरू कर देता है और आगे विकास होता है। कोलर और ट्रंक की जोड़ी सिलोमिक गुहाएं जो होती है, सिलोमिक कैविटी, प्रोबोसिस सिलोम में विकसित होती है। फ्री स्विमिंग लार्वा लंबा होता है और ट्रांसवर्स ग्रूव और माउथ दिखाई देते हैं। ग्रूव के गायब होने के बाद एनस डेवलप होती है और दूसरा ट्रांसवर्स ग्रूव भ्रूण में भ्रूण को इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर में विभाजित करता है। नेक्स्ट है टोर्नेलिया लार्वा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट लार्वा है इसका बेलेनोग्लोसिस का, तो एक टफ्ट यानी गुच्छा, ठीक है, में सीलिया विकसित होते हैं और भ्रूण टोर्नेलिया लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। टोर्नेलिया लार्वा का जो साइज होता है वो होता है 1 से 3 माइक्रोमीटर। माउथ होता है वेंट्रल शेप, बेल शेप्ड होती है, घंटी के आकार की, समरूपीय और मुड़ी हुई होती है। एनस होती है मीडियन, पोस्टीरियर छोर पर होती है जो, और लार्वा के इंटीरियर छोर पर एक एपिकल प्लेट होती है जिसमें क्या क्या पाया जाता है, जिसमें होते हैं नर्व फाइबर्स यानी कि तंत्रिका तंतु, गैंग्लियन नर्व सेल्स, टफ्ट ऑफ सीलिया एंड अ पेयर ऑफ आई स्पॉट यानी कि सीलिया के गुच्छे होंगे और गैंग्लियन नर्व सेल्स होगी, नर्व फाइबर होंगे और एक पेयर होगा आई स्पॉट का, मतलब एक ऐसे आंखें का स्पॉट ही होगा, पूरी कंप्लीट आइज नहीं होगी। सिलिएटेड बैंड अलग अलग होते हैं और प्री ओरल और पोस्ट ओरल होते हैं, एपिकल प्लेट के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद है प्री ओरल और ओरल बैंड भोजन को इकट्ठा करते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन सरकम ओरल बैंड होता है। एलिमेंट्री कैनाल, छोटी और अधिक कोण पर मुड़ी हुई, ईसोफेगस पेट और आंत में विभाजित। एंड इसका लास्ट टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस ऑफ बेलेनोग्लोसिस। तो इसमें क्या होता है, लार्वा फ्री स्विमिंग करता है और नीचे की ओर बैठ जाता है और कोई परिवर्तन होता है, कई परिवर्तन होते हैं। एपिकल प्लेट और सिलिएटेड बैंड पूरी तरह से खो जाते हैं। शरीर का प्री ओरल भाग जो होता है वो वेंट्रल लूप से सिलिएटेड होकर प्रोबोसिस बन जाता है। उसके बाद संकुचन द्वारा प्रोबोसिस अलग हो जाता है, जैसे सिकुड़ने लगता है तो प्रोबोसिस अलग हो जाता है। गिल स्लिट्स दिखाई देने लगते हैं, ट्रंक लंबा हो जाता है और लार्वा वयस्क रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये था इसका मेटामॉर्फोसिस। एंड अब ये पूरी यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 पढ़ेंगे जिसमें यूरोकॉर्डेट एंड उसका एग्जाम्पल वगैरह ये सब पढ़ेंगे। तो आई होप आपको पूरी ये नोट्स समझ में आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।